हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी। न्यूज़ ये थी कि किसी दलित परिवार की शादी थी, लड़की की शादी थी। वहाँ पे जो है ना, बागेश्वर वाले बाबा जो हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, उनका छोटा भाई जाके वहाँ पे गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। खैर, उसके खिलाफ जो है ना, SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। बट देखना ये है कि उसको सजा होती या नहीं होती। लेकिन ये तो गलत ही है, कहीं ना कहीं एक सामाजिक तौर से देखा जाए तो गलत है। क्योंकि बागेश्वर वाले जो बाबा हैं, कोई आम इंसान तो है नहीं, है तो इंसान ही, भगवान तो है नहीं वो, लेकिन फिर भी लोग अगर उनको मानते हैं, लोग अगर उनको जानते हैं, तो एक तरीके से वो कुछ तो है उनके अंदर, कुछ तो ऊपर उठे हैं वो। और वैसे लोग अगर इतनी नीच हरकतें करेंगे तो मुझसे ही नहीं लगता कि उनसे बड़ा नीच धरती पे कोई है। और उन जो परिवार थी, उनका कसूर यही था कि उन्होंने सामूहिक विवाह जो करवाते हैं बागेश्वर वाले बाबा, उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन ये बहुत अच्छा काम है, सराहनीय है एक तरीके से, कि वो इतना उत्तम काम करवाते हैं और कई गरीब परिवारों का जो है ना, शादी करवाते हैं। तो बहुत अच्छा काम है, ये सामाजिक काम है और लोग इनका सराहना भी करते हैं और ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो इतना अच्छा काम जो करवाते हैं। लेकिन जो ये घटना है, बहुत निंदनीय घटना है, इसका मैं निंदा करता हूँ। और जो उनके भाई ने हरकत करी है, जो वहाँ पे अनाप शनाप बका है उस दलित परिवार के ऊपर, जो भी बातें बोली हैं, बहुत ज़्यादा गलत हैं। और अगर ऐसे लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो और लोग क्या करेंगे? भाई, उनकी अपनी इच्छा थी, उन्होंने नहीं करा सामूहिक विवाह, नहीं गए आपके जो आप करवाते हैं उसके अंदर, तो इसमें कौन सी आफत टूट पड़ी आपके ऊपर? लेकिन कहीं ना कहीं गलती उन लोगों की भी है जो कि ऐसे लोगों को मानते हैं। पहले तो आप उनको बनाते हैं, फिर वही लोग आपको नीचे दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जो वीडियो वायरल हुई थी उनके भाई की, धीरेन्द्र शास्त्री के, बागेश्वर वाले बाबा की जो वीडियो वायरल हुई थी, उसमें वो साफ गाली देते हुए और उनके हाथ में एक तमंचा था जो दिखाते हैं, सिगरेट पी रहे थे वो भी दिखा रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी गलती है, और समाज के प्रति जो बागेश्वर वाले बाबा की जो छवि बनी थी, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कोई उन पर ट्रस्ट करेगा, विश्वास करेगा। एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ना ये, इसको तो मैं बेवकूफ़ना कहूँगा, और मैं अपने लोगों से स्पेशली यह करूँगा, कहूँगा कि ऐसे लोगों के पास ना जाएं और ऐसे लोगों से बचें। बाकी बात आपकी अपनी इच्छा है, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। समझदार हैं, बुद्धिजीवी समाज हो गया है आज का, जो दलित है बुद्धिजीवी हो गया है, पढ़ा लिखा हो गया है, लेकिन फिर भी उसी चीज़ में घुस रहा है जिस चीज़ से बाबा साहब ने सदियों पहले आपको बाहर निकाला था, ठीक है ना? तो उस चीज़ से बचिए। और जो ये हुआ है, बाकी बात आगे कानूनी कार्रवाई जो है ना हो रही है, आगे सरकार जो करेगी अच्छा ही करेगी। हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, कानून को बहुत मानते हैं और कानून में बहुत आस्था रखते हैं और विश्वास रखते हैं, और केस हुए तो हमें लगता है कि आपके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी, सरकार ज़रूर ठोस कदम उठाएगी इस चीज़ के लिए। और हम पूरा विश्वास रखते हैं भारतीय संविधान के प्रति और भारतीय कानून के प्रति, हमें आसानी पूर्ण विश्वास है कि आपके ऊपर ज़रूर केस होगा और अच्छी तरीके से होगा, कि ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी नीच हरकत करने से लोग डरें। एक बार नहीं, 100 दफ़ा डरें। और ज़रूरी है
डरना, क्योंकि ये जो गलती है ये कोई आम गलती नहीं, ये बहुत बड़ी सामाजिक जो है ना, एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बड़ी निंदनीय घटना है और इसका हम निंदा करते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन हम सरकार में विश्वास रखते हैं, हम कानून के ऊपर विश्वास करते हैं, सो केस आपके ऊपर तो ज़रूर होगी और सरकार उचित कदम उठाएगी इस चीज़ के मामले में, और हम यही आशा करते हैं।